हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू फाइन. स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ऑफ डेट 4/2/2021. नाउ टुडेज टॉपिक इज मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट. ठीक है ना, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट मीन्स कि हम हीट को कितने तरीके से, कितने मोड्स से, कितने वे से हम हीट को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी एंड इन अ पार्ट ऑफ अ बॉडी. ठीक है ना, एक बॉडी के पार्ट में हम हीट को किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं, या अगर सिंपली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में अगर हमें हीट ट्रांसफर करना है, देन हाउ कैन वी ट्रांसफर द हीट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी. सो नाउ देयर आर थ्री मोड्स. फर्स्ट इज कंडक्शन. कंडक्शन इट इज अ प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ बॉडी टू द अनदर पार्ट एट अ लोअर टेम्परेचर थ्रू आउट मॉलिकुलर कोलिजंस विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर्स. इट मीन्स लेट अस सपोज वी हैव अ रॉड. क्लियर? नाउ दिस इज ए एंड दिस इज एंड बी, एंड इस एंड को हम क्या करते हैं, हीट अप करते हैं थ्रू अ लैम्प, व्हाटएवर किसी भी चीज से इसको क्या करते हैं, हम यहां पे इसको हीट अप करते हैं इस पोर्शन को. ठीक है, नाउ जब इस पोर्शन को हीट अप करेंगे देन इसका टेम्परेचर राइज अप होगा, ये हॉट हो जाएगा. ये जो एंड है ये इनिशियली कोल्डर एंड होगा. ठीक, इसका टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा. देन मी नो डेट जैसे जैसे ये अगर मेटल का रॉड है, इट इज अ मेटल या मेटेलिक रॉड, देन इस एंड को अगर हम हीट अप करेंगे तो इसके साथ साथ जो हीट है वो ए एंड से बी एंड की तरफ ट्रांसफर होगा. ए एंड से बी एंड की तरफ हीट जो है हमारा ट्रांसफर होगा. किस तरीके से ट्रांसफर होगा, तो इस एंड का मॉलिक्यूल्स है, दिस इज अ मॉलिक्यूल्स, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल्स, दिस इज अनदर मॉलिक्यूल्स. तो ये जो रॉड है इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे आर अरेंज इन अ पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन. नाउ जैसे इस एंड को हीट अप करते हैं तो इस ये जो मॉलिक्यूल्स है, फर्स्ट मॉलिक्यूल्स होती है, लेट अस सपोज दिस इज फर्स्ट मॉलिक्यूल्स, इस फर्स्ट मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है. और जैसे काइनेटिक एनर्जी इसकी इंक्रीज होती है तो यहां पे मेन पोजीशन में क्या करती है, ये बहुत हाई स्पीड से वाइब्रेट करता है. व्हेन जब ये हाई फ्रीक्वेंसी से जब ये वाइब्रेट करता है तो कंटिन्यूअसली ये अपने पास वाले पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करता है, कंटिन्यूअसली कोलाइड करता है, कोलिजंस होते हैं, बम्बार्डिंग्स करता है. सिंपली जब ये कोलिजंस करता है तो ये जो पार्टिकल्स, ये अपने एनर्जी इस पार्टिकल को ट्रांसफर कर देता है. एंड जैसे जैसे इसको एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इस पार्टिकल की एनर्जी भी इंक्रीज होगी. एंड ये वाला पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल भी हाई स्पीड से क्या करेगा, यहां पे वाइब्रेट करेगा. एंड जैसे वाइब्रेट करेगा, ये पार्टिकल इस पार्टिकल के साथ कोलाइड करेगा कंटिन्यूअसली. जब इन दोनों के बीच में कोलिजन होगा तो ये वाला पार्टिकल इस पार्टिकल को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इसकी एनर्जी बढ़ेगी, फिर ये अपनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा. तो इस तरीके से इस एंड से इस एंड पे, ए एंड से बी एंड की तरफ जो एनर्जी है, हीट है, हीट का ट्रांसफर जो है कंटिन्यूअसली होता जाता है. किस तरीके से हो रहा है, दैट इज द मॉलिकुलर कोलिजन. मॉलिक्यूलर कोलिजंस की वजह से ही हीट जो है वो ए एंड से बी एंड की तरफ ट्रांसफर हो रहा है विदाउट एनी एक्चुअल फ्लो ऑफ मैटर्स. मतलब अब यहां से पार्टिकल्स ए एंड से बी एंड पे मूव नहीं करेगा, यहां पे जो मैटर्स है, पार्टिकल्स है या मॉलिक्यूल्स है, इनका एक्चुअल फ्लो नहीं होगा, बस हीट का फ्लो होगा. तो दिस टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इज नोन एज कन्वेक्शन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन इज वॉट? कन्वेक्शन मीन्स It is the process by which heat flows from the region of higher temperature to the region of lower temperature by an actual movement of the material particles. तो simply अगर material particle के exchange से heat का transfer हो रहा है, material particles एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, exchange हो रहे हैं, then इस case में जो mode of transfer of heat होगा, that is convection. For example, let us suppose we have a कंटेनर, ये आपका कंटेनर है. इस कंटेनर को हम यहां पे हीट अप करते हैं. ठीक है, यहां से हम इसको क्या करते हैं, हीट अप करते हैं. देन इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड्स फिल्डेड होंगे लाइक दिस, दिस इज मॉलिक्यूल्स. तो यहां पे सिंपली जो बॉटम वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, ये मॉलिक्यूल्स, सारे मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा सोर्स से. एंड एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये मॉलिक्यूल्स कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा. एंड सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स जिसकी एनर्जीज कम है, ये मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे, डाउनवर्ड बॉटम पे आ जाएंगे. जब ये बॉटम पे आएंगे तो इस तरीके से
पार्टिकल का मूवमेंट यहां पे होगा और पार्टिकल के मूवमेंट से ही एनर्जी का जो है कंटिन्यूअसली इसमें ट्रांसफर होगा। नाउ नेक्स्ट मेथड इज रेडिएशन। रेडिएशन इट इज अ प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विदाउट हीटिंग द इंटरव्यूइंग मीडियम्स। इट मीन्स लेट अस सपोज दिस इज अ सोर्स, दिस इज सन, इट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड दिस इज अर्थ, है ना, ये आपका अर्थ है। तो सिंपली सन जब एनर्जी रेडिएट कर रहा है, एनर्जी जब ये रेडिएट कर रहा है, तो ये एनर्जी जो है अर्थ तक विदाउट मीडियम या मीडियम को विदाउट हीट करे हुए ये एनर्जी जो है वो रेस के फॉर्म में अर्थ पे इंसिडेंट हो रहा है। मतलब अब यहाँ पे अर्थ को जो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है सन, यहाँ पे इस एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से या एनर्जी ट्रांसमिट करने के लिए हमें कोई मीडियम नहीं चाहिए। तो इस केस में जो एनर्जी ट्रांसफर होता है इस मोड को बोलते हैं हम, दैट इज रेडिएशन। रेडिएशन सन एंड अर्थ के बीच में जो हीट का ट्रांसफर होता है दैट इज रेडिएशन। या कहीं पे फायर है, फायर के पास में खड़े हो जाते हैं, ठीक है ना, तो आपको हीट मिलता है। जैसे यहाँ पे सिंपली मान लो ये आपका कोई कैंडल है, कैंडल फ्लेम के पास यहाँ पे अपना फेस रखते हैं या कोई भी चीज रखते हैं, वो धीरे धीरे वो हीटअप होने लगता है। तो कैंडल से इस ऑब्जेक्ट में या इस ऑब्जेक्ट के पास जो हीट ट्रांसफर होता है, अगर लेट अस सपोज कि यहाँ के वैक्यूम क्रिएट कर दें, तो यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होगा दैट इज रेडिएशन, दैट इज रेडिएशन, ठीक है। तो देयर आर थ्री मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, फर्स्ट इज कंडक्शन, सेकेंड इज कन्वेक्शन एंड थर्ड इज रेडिएशन। सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड स्टेडी स्टेट्स। स्टेडी स्टेट्स एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट इज वॉट। सो नाउ लेट अस सपोज वी हैव अ रॉड ए बी, दिस इज एंड ए, दिस इज एंड बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम इस एंड को यहाँ पे हीटअप करेंगे, है ना, इस एंड को यहाँ पे क्या करते हैं, हीटअप करते हैं। तो इनिशियली ये वाला एंड जो है आपका, ये जो क्रॉस सेक्शन वाला जो एरिया है, ये एंड आपका हीटअप होगा, टेम्परेचर इसका राइज अप होगा, ठीक। एंड इसके बाद हीट जो है आपका ए एंड से बी एंड की तरफ ट्रांसफर होगा। बट जब हीट ट्रांसफर होगा तो इनिशियल कंडीशन, हम इनिशियल कंडीशंस की बात कर रहे हैं, इनिशियल कंडीशंस में पहले ये वाला मॉलिक्यूल्स हीट एब्जॉर्ब करेगा, पहले ये हीट एब्जॉर्ब करेगा। जैसे इसकी हीट एक सफिशियंट लेवल से हाई होगा, देन ये मॉलिक्यूल्स अपनी हीट को इस मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करेगा। अब जैसे ये मॉलिक्यूल्स का जो हीट है वो एक सफिशियंट लेवल के इक्वल हो जाएगा, ये उससे हाई हो जाएगा, तब ये मॉलिक्यूल्स अपने नियर अबाउट मॉलिक्यूल्स को क्या करेगा, हीट ट्रांसफर करेगा। तो इस तरीके से देखो, सबसे पहले इनिशियली हो कह रहे हैं कि ये वाला जो एंड है, ये एंड इनिशियली हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, हीट को स्टोर कर रहा है, एंड फिर रेस्ट ऑफ हीट को वो ट्रांसफर कर रहा है। लेट अस अज्यूम कि अगर यहाँ पे सोर्स ने आपको 10 जूल हीट दिया है, तो ये वाला एंड क्या करेगा, इनिशियली 10 में से 9 जूल ऑफ हीट को इसने एब्जॉर्ब किया, एंड 9 जूल ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करने के बाद फिर ये अपने 1 जूल ऑफ हीट को इसको ट्रांसफर करेगा। या सिंपली लेट अस अज्यूम कि 10 जूल इसने दिया है, तो इस सोर्स ने इसने मान लो 5 जूल हीट स्टोर किया है, या 5 जूल हीट जो है वो एब्जॉर्ब किया है, एंड 5 जूल ऑफ हीट को इसको ट्रांसफर करेगा। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, इस 5 जूल में से कुछ हीट स्टोर करेगा या एब्जॉर्ब करेगा। लेट अस सपोज 5 से इसने स्टोर कर लिया 3 जूल, तो बाकी बचा रेस्ट ऑफ 2 जूल्स, तो वो इसको ट्रांसफर कर देगा। ये मॉलिक्यूल्स जब 2 जूल हीट लेगा, देन इस केस में लेट अस सपोज ये मॉलिक्यूल्स जो है 2 में से 1 जूल ऑफ हीट को क्या कर रहा है, ये एब्जॉर्ब कर रहा है, बाकी को आगे फ्लो करा रहा है। तो सिंपली ये जो एंड होता है, ये एंड सबसे इनिशियली पहले क्या कर रहा है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा एंड रेस्ट ऑफ हीट को आगे ट्रांसफर करेगा। जिस मॉलिक्यूल्स को हीट मिलता जाएगा वो एब्जॉर्ब करेगा पहले, उसके बाद फिर हीट को ट्रांसफर करेगा। तो सिंपली यहाँ पे इसका मतलब सोर्स ने अगर 10 जूल हीट दिया है, तो यहाँ तक पहुँचते वो हीट ऑफ जूल है वो पॉइंट में या नेग्लिजिबल हो जाता है। मतलब यहाँ पे हीट का जो फ्लो है वो वेरिएबल है, वो कॉन्स्टेंट नहीं है। कॉन्स्टेंट तब होता जब सोर्स ने 10 जूल हीट दिया एंड इसको भी 10 जूल हीट मिलता, तब हम कहते हैं कि यहाँ पे जो फ्लो है दैट इज कॉन्स्टेंट फ्लो है। बट यहाँ पे पहले कंडीशन यहाँ पे आता है वेरिएबल स्टेट्स। तो वेरिएबल स्टेट मीन्स इन दिस स्टेट्स द टेम्परेचर ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ रॉड गोज ऑन इंक्रीजिंग विद द टेम्परेचर। सिंपली क्या होगा, हर एक पार्ट का, सबसे पहले इस क्रॉस सेक्शन का एरिया चेंज होगा, फिर इस वाले क्रॉस सेक्शन का एरिया
इंक्रीज होगा, फिर इस क्रॉस सेक्शन का एरिया इंक्रीज होगा, तो हर एक पार्ट का एरिया धीरे धीरे इंक्रीज होगा एंड लास्ट में इस बी पार्ट जो दूसरा एंड है इस एंड का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ए टू बी जाएंगे तो धीरे धीरे टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब हम ए टू बी एंड की तरफ मूव करेंगे, ए टू बी में मूव करेंगे, देन टेम्परेचर जो है वो धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज होगा। ए का टेम्परेचर हाई पे होगा, बी का टेम्परेचर लो पे होगा। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम जब इसको हीटअप कर लेते हैं, ये पूरी तरीके से हीटअप होता है, देन उस केस में क्या होता है, एक कॉन्स्टेंट रेट से हीट फ्लो होता है। कॉन्स्टेंट रेट मीन्स कि ए एंड को जितना हीट हम ट्रांसफर करेंगे उतना ही हीट जो है ए एंड से हीट जो है वो बी एंड की तरफ ट्रांसफर होगा। इट मीन्स अगर लेट सपोज सोर्स को अगर हमने 10 जूल हीट दिया है तो 10 जूल हीट जो है वो बी एंड को भी लास्ट में 10 जूल हीट ही मिलेगा। वो 10 जूल हीट जो है ए टू बी की तरफ कॉन्स्टेंट रेट से क्या हो जाएगा, वो फ्लो हो जाएगा। तो दैट इज स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट दिस स्टेट्स ऑफ द रॉड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एवरी क्रॉस सेक्शन ऑफ द रॉड बिकम्स कॉन्स्टेंट एंड देयर इज नो फर्दर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इन एनी पार्ट इज कॉल्ड द स्टडी स्टेट। सो नाउ स्टडी स्टेट में इस रॉड के हर एक क्रॉस सेक्शन का जो एरिया टेम्परेचर होगा डेट विल बी कॉन्स्टेंट। ठीक है ना, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर होगा और जितना हीट ए एंड को मिलेगा उतना ही हीट बी एंड को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। डेट इज स्टडी स्टेट। ठीक ना, ये आप बोल सकते हैं इसको सैचुरेशन स्टेट, सैचुरेशन स्टेट भी हम इसको बोल सकते हैं। बट अब नाउ नेक्स्ट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट, नाउ टेम्परेचर ग्रेडियंट इज वॉट, देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, सिंपली ए टू बी जब हम मूव करेंगे, ए टू बी जाएंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा आपका, डिक्रीज होगा। कंटिन्यूअस टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। इनिशियल कंडीशन की बात करें, जब वेरिएबल स्टेट होगा तो टेम्परेचर आपका क्या होगा, कॉन्स्टेंट होगा। ठीक ना, जब स्टडी स्टेट आ जाएगा टेम्परेचर कॉन्स्टेंट हो जाएगा। बट वेरिएबल स्टेट में, वेरिएबल स्टेट में आपका जो टेम्परेचर है इट विल डिक्रीज व्हेन वी गोज फ्रॉम ए टू बी। सो नाउ अब यहाँ पे टेम्परेचर जो है किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड द टेम्परेचर ग्रेडियंट। इट मीन्स टेम्परेचर, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस के साथ टेम्परेचर चेंज हो रहा है देन दैट्स क्वांटिटी इज टेम्परेचर ग्रेडियंट। सो नाउ टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू, टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। लेट सपोज वी हैव अ टू क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस पी एंड क्यू है ना। पी का टेम्परेचर लेट सपोज T1 है और क्यू का टेम्परेचर आपका लेट सपोज T2 है, तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना हुआ इन दोनों के बीच का, डेट इज T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। इन दोनों क्रॉस सेक्शन के बीच का डिस्टेंस कितना, डेट इज x, तो T1 माइनस T2 बाय x, डेट इज टेम्परेचर ग्रेडियंट एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा टी अपॉन एक्स या स्मॉल क्वांटिटी है x, अगर स्मॉल क्वांटिटी देन इसको हम लिख सकते हैं dt बाय dx। इफ इसको dx ले लेते हैं, डेल्टा एक्स ले लेते हैं डिस्टेंस, यहां पे सिंपली डेल्टा एक्स ले लो, इसको कवर कर लो। इफ डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल देन टेम्परेचर ग्रेडियंट इज इक्वल टू जो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, देन इट इज dt/dx, देन उस केस में ये डिफरेंशियल फॉर्म में आ जाएगा, dt/dx के फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर? सो नाउ नेक्स्ट इज थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी, सुनो थर्मल कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करते हैं। लेट सपोज वी हैव अ रॉड, अ सिलेंड्रिकल रॉड, क्यूबिकल रॉड भी ले सकते हैं। लेट सपोज क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो आपका ए है एंड ये एंड आपका हॉटर है, ये एंड आपका कूलर है, कोल्ड एंड है या कोल्ड फेज है। इस एंड का टेम्परेचर T1 है, इस एंड का टेम्परेचर T2 है एंड लेट सपोज स्टडी स्टेट पे जो आपका हीट फ्लो रहा है डेट इज क्यू अमाउंट ऑफ हीट जो है वो फ्लो रहा है ए एंड से बी एंड की तरफ। सुनो, इट इज फाउंड दैट द अमाउंट ऑफ हीट क्यू दैट फ्लोज फ्रॉम हॉट टू कोल्ड फेज ड्यूरिंग द स्टडी स्टेट डेट इज डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल, टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन दिस टू एंड्स एंड टाइम टी। किस
टाइम तक हीट फ्लो रहा है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हॉटर फेज से या हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ मूव करता है. तो इट मीन्स फर्स्ट डेट इज ऑब्जर्व बाय एक्सपेरिमेंट क्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए. सेकेंड क्यू इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल क्यू इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट टी वन माइनस टी टू बाई एक्स. एंड थर्ड क्यू इज प्रोपोर्शनल टू टी. टी इज टाइम जितने टाइम तक हम हीट फ्लो कर रहे हैं उसका टाइम पीरियड है. सो इन तीनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करेंगे देन वी गेट क्यू इज प्रोपोर्शनल टू ए टी वन माइनस टी टू बाई एक्स इंटू टी. टी इज टाइम, कैपिटल टी इज टेम्परेचर एंड स्मॉल टी इज टाइम. नाउ प्रोपोर्शनलिटी का साइन यहां से अगर हम रिमूव करेंगे देन वी गेट के. के इज अ कॉन्स्टेंट दैट इज के ए टी वन माइनस टी टू टी बाय एक्स टी बाय एक्स. नाउ वेयर के इज अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. K is a proportionality constant and it is known as coefficient of thermal conductivity. Conductivity, coefficient of thermal conductivity. And coefficient of thermal conductivity is totally depends on the nature of the conductor. It's totally depends on the nature of the conductor. कंडक्टर का नेचर कैसा है या मटेरियल का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी. ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दैट इज के. सो नाउ लेट अस सपोज लेट ए इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर है एंड टेम्परेचर टी वन माइनस टी टू का जो डिफरेंस है दैट इज 1 केल्विन या 1 डिग्री सेल्सियस. And time t is equal to taken as 1 second, 1 degree Celsius, 1 second, and then we get q is equal to k. It means इस केस में जितना amount of heat transfer होगा वो amount of heat जो है वो coefficient of thermal conductivity के equal होगा. तो इसको define करेंगे, hence the coefficient of थर्मल कंडक्टिविटी, कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ अ मटेरियल मे बी डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ हीट that flows per unit time through a unit cube of material when its opposite phase are kept at a temperature difference of 1 degree. तो materials may be defined as the मतलब जो आपका coefficient of thermal conductivity है that of a material may be defined as the quantity of heat that flows per unit time through a unit cube of material which its opposite phase are kept at a temperature difference of 1 degree. देखिए यहाँ पे unit cube means what? देखिए यहाँ पे सिंपली एक चीज और आपको 1 रखना है, then x is equal to 1 meter, then ये जो आपका सिलेंडर बनेगा इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 meter square, length 1 meter square, then इसका जो वॉल्यूम होगा टोटल वॉल्यूम
टोटल वॉल्यूम इज 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे यूनिट क्यूब की हम बात कर रहे हैं कि यूनिट क्यूब से पर सेकेंड कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। अगर उन दोनों फेजेस के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेट इज 1 डिग्री, देन उस केस में जितना अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर होगा डेट इज इक्वल टू कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज हीट करेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज हीट करेंट। हीट करेंट, देन हीट करेंट डेट इज रिप्रेजेंटेड बाय एच। तो हीट करेंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डेट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड हीट करेंट, इज कॉल्ड हीट करेंट। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट इज कॉल्ड, मतलब किस रेट से आपका हीट फ्लो कर रहा है डेट इज कॉल्ड हीट करेंट, डेट इज कॉल्ड हीट। जैसे आपका इलेक्ट्रिक करेंट होता है, इलेक्ट्रिक करेंट बेसिकली वॉट, इट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सो नाउ हीट करेंट इज वॉट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, डेट इज हीट करेंट। एंड हीट करेंट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी, डी क्यू बाय डी टी, देन डी अपॉन डी टी क्यू डेट इज के टी वन माइनस टी टू स्मॉल टी डिवाइडेड बाय एक्स। देन के टी वन माइनस टी टू बाय एक्स इज अ कॉन्स्टेंट, देन डी टी बाय डी टी, एंड डी टी बाय डी टी आपका 1 हो जाएगा। देन वी गेट एच इज इक्वल टू के टी वन माइनस टी टू बाय एक्स, एच इज इक्वल टू के टी वन माइनस टी टू बाय एक्स, दैट इज हीट करेंट, दैट इज हीट करेंट। ठीक है, इसको और सॉरी ए भी है इसके साथ ए, इसको और सिस्टमैटिक वे में अगर लिखेंगे, इसको और सिस्टमैटिक वे में अगर लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं एंड इस इक्वेशन को लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू के ए डी टी बाय डी एक्स। अगर डिस्टेंस आपका स्मॉल है फेजेस के बीच में एंड डेट इज डी एक्स अगर है तो उस केस में हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि टी वन माइनस टी टू को डी टी लिख देंगे एंड एक्स की जो एक्स को रिप्लेस कर देंगे डी एक्स से, देन वी गेट एच इज इक्वल टू के ए डी टी बाय डी एक्स। सो नाउ नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। नाउ यूनिट ऑफ के इज वॉट, यूनिट ऑफ के को किस में मेजर करेंगे, देन वी नो डेट क्यू इज इक्वल टू, क्यू इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी स्मॉल टी बाय एक्स। देन यहां से अगर k का वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे देन k इज इक्वल टू q इंटू एक्स बाय ए डेल्टा t इंटू टी। देन जब यहां से आप इसका यूनिट निकालेंगे, देखिए q का यूनिट होता है जूल, x को हो गया मीटर, डिवाइड बाय एरिया का मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस एंड t का सेकेंड, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक m से एक m, मतलब मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा। देन वी गेट जूल पर मीटर डिग्री सेल्सियस पर सेकेंड, दैट इज यूनिट ऑफ के। नाउ डायमेंशन, देखो डायमेंशन जूल का डायमेंशन होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ओके गुड। मीटर, मीटर का जगह एल, डिग्री सेल्सियस या केल्विन, केल्विन का होता है के, इसका लेते हैं हम के, टेम्परेचर का होता है के, ठीक है, एंड सेकेंड दैट इज टी। जब इसको आप सॉल्व आउट करेंगे देन वी गेट एम एल टी माइनस थ्री के माइनस वन, डेट इज डायमेंशन ऑफ के, मतलब कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी के डायमेंशन हो जाएगा एम एल टी की पावर माइनस थ्री के की पावर माइनस वन। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस, देखो जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस किया था ना, इलेक्ट्रिसिटी हमने स्टडी किया है, इलेक्ट्रिसिटी में जैसे करेंट फ्लो होता है, करंट फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वोल्टेज, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। तो सिंपली यहाँ पे भी अगर हीट फ्लो हो रहा है, हीट का फ्लो हो रहा है, डेट इज हीट करंट, है ना, एंड हीट करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो सेम जैसे हीट करंट फ्लो हो रहा है तो हीट करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, टेम्परेचर डिफरेंस, कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेम्परेचर डिफरेंस। इट मीन्स कि टेम्परेचर डिफरेंस डेट इज प्रोपोर्शनल टू हीट, मतलब जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट फ्लो होगा। तो जब यहां से प्रोपोर्शनलिटी, यहां से सिंपली हम देखते हैं कि डेल्टा टी जो है डेट इज प्रोपोर्शनल टू एच,
डेल्टा टी इज प्रोपोर्शनल टू एच एंड डेल्टा टी इज इक्वल टू एक आएगा आर एच इंटू कैपिटल एच, वेयर आर एच इज अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट एंड इट इज नोन एज थर्मल रेजिस्टेंस. तो आर एच जो है आपका सिंपली ये थर्मल रेजिस्टेंस एंड थर्मल रेजिस्टेंस दैट इज डेल्टा टी बाय एच. तो इसको इस तरीके से डिफाइन करें, द रेशियो ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द कंडक्टर्स टू द हीट करेंट्स थ्रू इट इज कॉल्ड द थर्मल रेजिस्टेंस, इज कॉल्ड द थर्मल रेजिस्टेंस. तो थर्मल रेजिस्टेंस आर एच इज इक्वल टू डेल्टा टी बाय टी, सॉरी डेल्टा टी बाय एच. एंड नाउ वट एच इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे एच का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, एच इज इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय डेल्टा एक्स, देन डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसल, देन वी गेट डेल्टा एक्स बाय के इंटू ए, डेल्टा एक्स बाय के इंटू ए डेट इज आर एच. तो आर एच का यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला जो है डेल्टा एक्स बाय के ए, डेल्टा एक्स इज अ डिस्टेंस, डेल्टा एक्स इज अ डिस्टेंस एंड ए इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो सिंपली यहां से हम ये बता सकते हैं कि आर एच इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स एंड आर एच इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ए. इसका मतलब है लेंथ ज्यादा इंक्रीज करोगे रेजिस्टेंस ज्यादा होगी, अगर एरिया को डिक्रीज करोगे देन रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा. तो ये थर्मल रेजिस्टेंस आपका हो जाएगा. दैट इज डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, फर्स्ट इज लेंथ, सेकेंड इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड थर्ड पॉइंट इज नेचर ऑफ द कंडक्टर. तो के यहाँ पे जो थर्मल कंडक्टिविटी है दिस शोज द नेचर ऑफ द कंडक्टर, नेचर कंडक्टर की नेचर को ये शो करता है. तो सिंपली आपने जैसे रेजिस्टेंस में पढ़ा था इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस रो इज इक्वल आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए, तो सिमिलर फॉर्मूला यहाँ पे आपका बन गया. देखो यहाँ पे आर एच इज इक्वल टू डेल्टा एक्स अपॉन के इन टू ए. क्लियर? नाउ यूनिट, यूनिट इसके हम बात करेंगे, देन यूनिट इसको मेजर करेंगे किलो पर वॉट, मतलब केल्विन पर वॉट में मेजर करेंगे. ठीक है, केल्विन पर वॉट. एंड ये ऐसा ही सिस्टम हो जाएगा अगर हम सीजीएस में यूनिट निकालेंगे, तो सीजीएस में पर डिग्री सेल्सियस पर डायंस वगैरह में इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे. नाउ डायमेंशन, डायमेंशन इसको जब हम डायमेंशन कैलकुलेट करेंगे तो एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, टी की पावर थ्री एंड के, टी की पावर थ्री एंड के आ जाएगा. सिंपली यहां से आप डायमेंशन निकालेंगे, यहां पे एक्स का डायमेंशन रख देंगे एल, ए का डायमेंशन लिखेंगे एल स्क्वायर. ठीक, एंड के का यहां पे डायमेंशन निकालेंगे, यहां से ये के का हमने डायमेंशन निकाला, ये के का डायमेंशन है, उसको यहां पे सब्स्टिट्यूट करके जब आप थर्मल रेजिस्टेंस का डायमेंशन निकालेंगे ये आएगा आपका एम की पावर माइनस वन, एल की पावर माइनस टू, टी की पावर थ्री एंड के. दिस इज थर्मल रेजिस्टेंस. ठीक ना, तो आई होप सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे. नाउ लेट्स सी सम न्यूमेरिकल्स व्हिच इज बेस्ड ऑन दीज टॉपिक्स. फर्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट थ्रू अ ग्लास विंडो ऑफ एरिया 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड थिकनेस 0.4 सेंटीमीटर व्हेन द टेम्परेचर इनसाइड इज 37 डिग्री सेल्सियस एंड आउटसाइड इज 0.5 डिग्री सेल्सियस. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन द एरिया, इसका सॉल्यूशन देखते हैं. तो सबसे पहले आपके पास दे रखा एरिया डेट इज 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर डेट इज 10 टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 0.1 मीटर स्क्वायर. नाउ डिस्टेंस डेल्टा एक्स डेट इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो, तो 0.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर. क्लियर? नाउ टेम्परेचर टी वन गिवन है 37 डिग्री सेल्सियस एंड टी टू गिवन है माइनस 5 डिग्री सेल्सियस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे जस्ट हम क्या करेंगे, टी वन माइनस टी टू करेंगे, T1 में से T2 को माइनस करेंगे, देन 37 माइनस माइनस ऑफ 5, तो 37 माइनस माइनस का जगह प्लस, देन 37 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री सेल्सियस. कितना 42 डिग्री सेल्सियस. ओके, नाउ हीट लॉस मतलब किस रेट से हीट लॉस हो रहा है वो कैलकुलेट करना है. तो हीट लॉस H इज इक्वल टू That is ka dt by dx या delta t by delta x k. Now value of k,
याद रखा है कोफिशियंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास इज, के का वैल्यू है आपका सिंपली के इज इक्वल टू गिवन है 2.2 इंटू 10^-3 कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर कैल्विन। अच्छा यहाँ ना आपका CGS में दे गिवन है, यूनिट सारे किस में गिवन है, CGS में गिवन है, तो यहाँ पे आप CGS में रखो, A का वैल्यू ये रखो और DX का वैल्यू ये रखो, ठीक है। एंड टेम्परेचर यहाँ पे जस्ट किस में दे रखा है आपका, हाँ कैलोरी, हाँ कैल्विन में गिवन है, ओके नो प्रॉब्लम। टेम्परेचर डिफरेंस है, चाहे आप टेम्परेचर डिफरेंस आप सेल्सियस में निकालिए या कैल्विन में निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो यहाँ पे H का वैल्यू निकालेंगे, H इज इक्वल आएगा आपका K 2.2 इंटू 10^-3 इंटू A, एरिया देखेंगे तो 10^3 इंटू डेल्टा T, डेट इज 42 डिवाइडेड बाय डेल्टा X, डेल्टा X इज इक्वल टू 0.4, इससे इसको डिवाइड कर देना तो 2 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 11 आ जाएगा, इससे डिवाइड कर देना तो 21 इंटू 11 कर देना तो 11 बचा 1, 11 2 जा 22, 22 प्लस 1 23 इंटू 10^0 कितना जा पावर 0 आ जाएगा, तो 231 कैलोरी पर सेकेंड, कितना 231 कैलोरी पर सेकेंड। तो देखो नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस आर पास्ड इनटू अ कॉपर सिलेंडर 10 मीटर mm ठीक एंड 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कलेक्ट एट द रेट ऑफ 150 ग्राम पर मिनट, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द आउटर सरफेस इफ द कंडक्टिविटी ऑफ कॉपर इज 0.8 कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस एंड द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम इज 540 कैलोरी पर ग्राम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गिवन, सबसे पहले यहां पे आप लिखेंगे गिवन, क्या क्या गिवन है, सबसे पहले आपका टेम्परेचर दे रखा T1 डेट इज 100 डिग्री सेल्सियस, आपका वॉल है कॉपर सिलेंडर का वॉल है 10 mm थिकनेस है, तो यहां पे x है आपका 10 mm और 10 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे दैट इज 1 cm ओके नाउ गुड। एरिया गिवन है a इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस कलेक्ट एट अ रेट ऑफ 150 ग्राम पर मिनट, ये आपका अमाउंट है दैट इज 150 ग्राम पर मिनट, इतना मास जो है वो 1 मिनट में स्टोर हो रहा है, तो 1 सेकंड में कितना स्टोर होगा, 1 मिनट में इतना स्टोर है 1 सेकंड में निकाल, चलो यहाँ पे मिनट में कन्वर्ट नहीं करते, सेकंड में कन्वर्ट नहीं करते, इसको जस्ट यहाँ पे टी ले लेते हैं 1 मिनट, टी हम कंसीडर कर लेते हैं कितना टाइम, 1 मिनट की हम बात कर रहे हैं कि 1 मिनट में कितना टेम्परेचर राइज होगा, T2 हमें कैलकुलेट करना है, T2 टेम्परेचर कैलकुलेट करना है एंड कॉपर की जो कंडक्टिविटी है गिवन है कंडक्टिविटी के इज इक्वल टू 0.8 कैलोरी पर सेकेंड पर सेंटीमीटर पर डिग्री सेल्सियस एंड नेक्स्ट लेटेंट हीट गिवन है 540 कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट हीट डेट इज L इज इक्वल टू 540 कैलोरी पर ग्राम। नाउ अमाउंट ऑफ हीट Q इज इक्वल टू M इंटू L, कितना हीट हमने ट्रांसफर किया, तो यहां पे स्टेट चेंज हो रहा है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे कितना हीट ट्रांसफर करेंगे दैट इज एम इज इक्वल एम इंटू एल, लेटेंट हीट की मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट आ जाएगा जितना हीट वो ट्रांसफर हो रहा है यहां पे सिंपली। देन एम इज व्हाट 150 ग्राम पर मिनट है तो 150 ग्राम ले लेते हैं, मिनट को हटा देते हैं यहां से, एल है आपका 540 मल्टीप्लाई कर दो 150, चलो छोड़ो इसको मल्टीप्लाई मत करो, कैलकुलेशन में इंक्लूड कर लेंगे एंड नाउ क्यू इज इक्वल टू द के ए T1-T2 इंटू टाइम डिवाइडेड बाय एक्स। देन यहां से आपका T1-T2 कैलकुलेट करेंगे तो क्यू इंटू एक्स डिवाइड बाय के ए इंटू टी, ये हो जाएगा वैल्यू रख दो, क्यू का वैल्यू है 150 इंटू 540 इंटू एक्स
देखो x गिवन है 1 सेंटीमीटर, तो 1 डिवाइडेड बाय k, k का वैल्यू है 0.8 इंटू एरिया, देखो एरिया 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इंटू 200 इंटू t, t 60 सेकेंड, 1 मिनट, डेट इज 60 सेकेंड, ओके, 1 2 1 2, 6 से डिवाइड करेंगे इसको, तो 6 9 64, एंड अब के पास बचेगा 15 इंटू 9 बाय 4 टू जो 18, तो 1.6 पॉइंट आता, तो 0 आ जाएगा 19 16, इसको डिवाइड कर देना आपको 2 से 45 8, फिर 8 से इसको डिवाइड कर देना, देन 15 इंटू 8 5 जो 40 बचा कितना 5.50, 8 6 जो 48 बचा 2 226, 6 8 2 जो 16 485 जो, तो जस्ट यहाँ पे आपका T2 टेम्परेचर हो जाएगा T1 माइनस T2, देन T2 इज इक्वल टू 15 इंटू 5.625, तो T2 इज इक्वल टू जाएगा, सिंपली इसको इधर भेज देंगे, ये आपका इधर आ जाएगा, तो T1 माइनस 15 5 जा 75 7, 15 टू जा 30 प्लस 7 37, 15 6 जा 90 प्लस 90 प्लस 3 हो जाएगा 93, कैरी 9, एंड 15 5 जा 75 प्लस 9 84, एंड T1 टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो जस्ट यहां से 100 माइनस 84.375, जस्ट यहां से सब्ट्रैक्ट करके यहां पे आंसर लिख देना, यहां पे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।